दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कैसे 2 महीने में करीब करीब 5 लाख रुपए कमाया। सारा डिटेल में बताऊंगा, मैं अपना अर्निंग प्रूफ भी दिखाऊंगा, और अगर आप भी ऐसा अर्निंग करना चाहते हैं तो आपको ये भी बताऊंगा कि अर्निंग कहां से होती है, कैसे होती है, इस वीडियो के लास्ट में। तो इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। दोस्तों कोरोना का टाइम था और आपको पता ही है कोरोना के टाइम में सब कुछ बंद था, और मेरे पास वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए कोई अलग सबूत नहीं था, इसीलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था और वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था। तभी मैंने एक आर्टिकल पढ़ा कि आप ऐप से भी बहुत पैसे कमा सकते हो, और मुझे आलोक केजरीवाल के बारे में पता चला कि वो किस तरह से ऐप्स बनाकर करोड़ों में इनकम करते हैं। तो मैंने सोचा चलो मैं भी ऐप्स में ट्राई करता हूँ, लेकिन मुझे ऐप्स बनाना नहीं आता। तो मुझे एक वेबसाइट के बारे में पता चला जहाँ बना बनाया ऐप्स मिलता है, आप वहाँ से बना बनाया ऐप्स परचेस कर सकते हो। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सो डोंट वरी। तो उस वेबसाइट में जाकर मैंने कुछ ऐप्स का सोर्स कोड परचेस किया। स्टार्टिंग में मैंने 3 ऐप्स का सोर्स कोड परचेस किया, और आप जब वहाँ से ऐप परचेस करते हैं तो उसी ऐप के फाइल में आपको सारा डिटेल बता दिया जाता है कि आप उस ऐप को कैसे बनाएंगे। पूरा कंप्लीट ट्यूटोरियल्स वहाँ पर रहता है कि कैसे ऐप्स बनाना है। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे, जब भी आप यहाँ से ऐप सोर्स कोड परचेस करते हैं तो आप कोशिश कीजिएगा कि एंड्रॉयड स्टूडियो वाला प्रोजेक्ट ही परचेस कीजिए, क्योंकि एंड्रॉयड स्टूडियो का प्रोजेक्ट से ऐप बनाना थोड़ा आसान होता है, मुझे तो आसान लगा। एक और भी प्रोजेक्ट होता है यूनिटी, मैंने एक बार गलती से यूनिटी वाला प्रोजेक्ट परचेस कर लिया। वो गेम यूनिटी सॉफ्टवेयर से बना हुआ था और मुझे यूनिटी चलाना बड़ा मुश्किल लगा। मैंने ट्राई किया यूनिटी प्रोजेक्ट को चलाने के लिए, मैंने यूनिटी का सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया अपने कंप्यूटर में और चलाने का बहुत कोशिश किया, पर वो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया और मैं यूनिटी वाला प्रोजेक्ट से अपना गेम नहीं बना पाया। तब मैंने जिससे वो गेम परचेस किया था, मैंने उससे कॉन्टैक्ट किया और मैंने उन्हें बोला कि मुझे यूनिटी समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या आप मेरे लिए यूनिटी का जो प्रोजेक्ट है उससे डायरेक्ट APK बना के एक फ़ाइल बना के दे सकते हैं, जो फाइल मैं डायरेक्ट गूगल प्ले स्टोर में अपलोड कर सकूँ। तो वो रेडी हो गए और उन्होंने मुझे उस गेम का APK बनाकर मुझे मेल कर दिया, और उस APK को मैं डायरेक्ट गूगल प्ले स्टोर में अपलोड कर सका। तो दोस्तों ध्यान रहे कि यूनिटी वाला प्रोजेक्ट परचेस करने से पहले एक बार सोच लेना। मेरे हिसाब से आप एंड्रॉयड स्टूडियो वाला गेम प्रोजेक्ट परचेस करना वो थोड़ा आसान होता है। तो मैंने इस तरह से 3 गेम परचेस किया। मैंने इस वेबसाइट से सबसे कम दाम वाले गेम्स को परचेस किया था, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में ज़्यादा पैसा लगाना नहीं चाहता था, क्योंकि मैं सीख रहा था, मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था, इसीलिए स्टार्टिंग में मैं ज़्यादा पैसा लगाना नहीं चाहता था। मैंने स्टार्टिंग में $20 $25 के आसपास वाले गेम्स को ही परचेस किया था, यहाँ तक कि एक गेम्स $15 का भी था। तो मैंने ऐसे ही सस्ते गेम्स को परचेस किया इस वेबसाइट से, जो कि एंड्रॉयड स्टूडियो का था, और मैंने थोड़ा यूट्यूब से एंड्रॉयड स्टूडियो चलाना सीख लिया, और ऐसे भी जो गेम का प्रोजेक्ट्स था उसमें वीडियो ट्यूटोरियल्स था, तो मैं वो वीडियो ट्यूटोरियल्स को देखकर अपना गेम्स बना लिया, और उन गेम्स को मैंने प्ले स्टोर में एक अकाउंट परचेस करके उन सारे गेम्स को प्ले स्टोर में अपलोड कर दिया। दोस्तों गेम्स बनाने के बाद जब आप उसे गूगल प्ले स्टोर में अपलोड करेंगे तो आपको गूगल प्ले स्टोर में एक अकाउंट परचेस करना पड़ता है। गूगल प्ले स्टोर में अकाउंट परचेस करने के लिए आपको 1 टाइम $25 पे करना पड़ता है। गेम्स को अपलोड करने के बाद स्टार्टिंग में मैंने उन गेम्स का लिंक फेसबुक में शेयर किया, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा डाउनलोड्स नहीं मिला। तो इसके बाद मैंने क्या किया, मैंने गूगल एड्स में ₹1,000 डाला और अपने इन गेम्स को गूगल एड्स के थ्रू प्रमोट किया। गूगल एड्स के हेल्प से आप अपने ऐप्स का, अपने गेम्स का ऐड चला सकते हैं, ऐड रन कर सकते हैं। आपको कम से कम ₹500 से स्टार्ट करना पड़ता है। तो मैंने ₹1,000 वहाँ डाला और ₹1,000 से मैंने अपने गेम्स का ऐड रन किया, और दोस्तों पता नहीं क्या हुआ, कोई चमत्कार हुआ कि क्या हुआ, मुझे कुछ पता नहीं चला, अचानक से मेरा एक गेम बड़ा तेज़ी से डाउनलोड होने लगा, और करीब 2 महीने के अंदर उस एक गेम में 50,000 डाउनलोड्स हो गए, और एक दूसरा गेम्स भी था वो भी करीब 10,000 के आसपास डाउनलोड हुआ था। और उसके बाद जो मेरा अर्निंग हुआ, उस अर्निंग को देख कर मैं भी शॉक्ड हो गया। मैंने भी नहीं सोचा था कि इतना ज़्यादा अर्निंग हो जाएगा, और वो भी एक सिंपल गेम से जो कि मैंने सिर्फ $25 में परचेस किया था। तो अर्निंग आपको दिखाता हूँ कि
कि मेरे उन गेम्स से मुझे कितना अर्निंग हुआ और मैं खुशी से पागल हो गया। और इन सारे गेम्स से मैंने करीब करीब 5 लाख रुपए कमाया था और करीब 2 महीने में मैंने 4,60,000 रुपये के आसपास कमा लिया था। और अब तक सारा टोटल अर्निंग मिलाकर उन सारे गेम्स से मेरी अर्निंग करीब 5 लाख रुपये हो चुकी है। अभी भी वो गेम्स प्ले स्टोर में हैं पर उनसे उतने ज़्यादा अर्निंग नहीं होता है क्योंकि मैं ध्यान नहीं दे पाता हूँ और बहुत सारा अपग्रेड करना है। लेकिन क्योंकि ये एक एक्सपेरिमेंट था, मुझे गेम्स बनाना आता भी नहीं था, तो इसीलिए मैंने इसे कंटिन्यू नहीं किया। क्योंकि गेम्स में क्या होता है ना कि कुछ दिन बाद ही गूगल कुछ कुछ अपडेट्स लाता है और आपको अपने ऐप्स को बार बार चेंजेस करना पड़ता है, उसे अपग्रेड करना पड़ता है। और मुझे एंड्रॉइड स्टूडियो बहुत ज़्यादा आता नहीं था, मैंने सोचा था कि मैं गेम्स को एक बार बना के डाल दूँगा और उससे अर्निंग करता रहूँगा। लेकिन गूगल बीच बीच में कोई कोई अपडेट्स लाता है और आपको फोर्स करता है कि आप उसे आप अपने गेम्स को अपने ऐप्स को अपग्रेड करें, और नहीं करने से ही वो गेम्स को रिमूव कर देता है। उसमें एडवर्टाइजमेंट कम आने लगेगा और उसमें अर्निंग बिल्कुल कम हो जाती है। ये बस एक एक्सपेरिमेंट था ये जानने के लिए कि ऐप्स में कितना अर्निंग हो सकता है। तो दोस्तों, ऐप्स में बहुत ज़्यादा अर्निंग हो सकता है अगर आप इसे फुल टाइम काम करते हैं। तो दोस्तों, आपसे यही शेयर करना था कि अगर आप ऐप से अर्निंग करना चाहते हैं, गेम्स बनाकर अर्निंग करना चाहते हैं, तो भी आप कर सकते हैं। अगर आपको ऐप्स या गेम्स नहीं बनाना आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐप्स या गेम्स का सोर्स कोड परचेस करके भी ऐप्स खुद से बना सकते हैं गूगल के एंड्रॉइड स्टूडियो के हेल्प से। और ऐप्स को आप गूगल प्ले स्टोर में अपलोड करके बहुत अच्छा अर्निंग कर सकते हैं। और अर्निंग कहाँ से होती है? अर्निंग गूगल के एडमोब एड्स से होती है। अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ कि ऐप्स और गेम्स में आपको गूगल का एक प्रोडक्ट है, गूगल एडमोब। गूगल एडमोब से आप अपने गेम्स और अपने ऐप्स में एड्स लगा सकते हैं और इन्हीं एड्स से आपको अर्निंग होती है। और ये सारा अर्निंग आपको गूगल एडसेंस के अकाउंट में शो करता है और आपके अकाउंट में डायरेक्ट आ जाता है। तो अगर आप ऐप्स या फिर गेम्स से अर्निंग करना चाहते हैं तो आपको एक गूगल एडमोब का अकाउंट भी बनाना होगा। अगर आपके पास गूगल एडसेंस का अकाउंट है तभी ही आप गूगल एडमोब का अकाउंट उसी जीमेल आईडी से बना सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, क्योंकि मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए बनाता हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।